بسم الله की वसात से ये मैं भी कोई सुनने वाला ये कहे कि कुरैशी साहब बैठकर कहते हैं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो बेशक भले पाकिस्तान इंडिया के किसी चैनल पे वो आए, इन मामलात पे हमारे से वन टू वन गुफ्तगू करें, उनका कोई नुमाइंदा आए यजीद के दिफा पे गुफ्तगू करे जो वो कर रहे हैं, हुजूर के वसीले के हवाले से गुफ्तगू करे, रसूलुल्लाह की हयात के हवाले से वो गुफ्तगू करे, अकीदे शफात पे गुफ्तगू करे, और जो दीगर उनकी बहुत सारे इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें जिनको उन्होंने करोड़ों मुसलमानों की दिलाजारी की है, औलियाए किराम की बेअदबी की है, अहदीस मुबारक की गलत उन्होंने तशरीयात की है, उन सारों को हम जनाब अगर साहब के सामने नंगा ना करें ना तो फिर ये बात है इंशाल्लाह, ये तो नहीं है मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, हम कहते हैं कि वो सामने आए, वन टू वन कल ही ले लें आप, बेशक आप इफ्तारी के प्रोग्राम में ले लें जाकिर नाइक को, मुझे और उसको वन टू वन करें इंशाल्लाह, या मैं पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं किसी भी चैनल वाले को कहता हूं अगर एक्सेस है आपका, आपकी पहुंच है जाकिर नाइक को, ले आए आप उसको लाइव ले लें, मुझे ले लें, सब दो दो हाथ हो जाते हैं, सारी दुनिया देख लेती है कि कितना इल्मी जनाब उनका घुमांड है, मुझे यकीन है, मुझे पूरे यकीन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बरेलवी मौलवी मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने बोल चैनल की वसातत से डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह को कुछ मौजूआत पर मुनाज़रे का चैलेंज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का अदना खादिम होने के नाते बंदा नचीज मोहम्मद यहिया आरफी उन चैलेंज को कबूल करता है, और मौलवी हनीफ कुरैशी बरेलवी जो है हम उसको बरमला खुले लफ्ज़ों में ये बात पैगाम देते हैं कि आप जो है आइए इंशाल्लाह आपके मुनाज़रे की जगह का इंतज़ाम भी हम करेंगे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी करेंगे, आपके मौजूआत भी, हत्ता कि अगर आप कब्र परस्ती मुर्दों से फौशुदगान से मांगना या जो है फौशुदगान के वसीले से मांगना जिन उनवानात पे आप तबा आजमाई करना चाहें अल्लाह के वजह हम आपका बुतलान वाजे करेंगे, हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं, आपके जवाब के मुंतजर हैं, जो है हमसे बैठिए दावा जवाब दावा तय कीजिए, इंशाल्लाह मैदान इंशाल्लाह बताएगा आपका बुतलान भी और मसलक अहले हदीस की हक्कानियत भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने आज चैलेंज दिया है, तो यजीद पर गुफ्तगू करने की बजाय सबसे पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी हमारे साथ सैयदुना अमीरुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुआविया रजी अल्लाह तआला के बारे में गुफ्तगू करें, जो वो इंतहाई घनौने घटिया और जरासीमी नजरियात उनके बारे में रखता है। हनीफ कुरैशी जो है वो बरेलवी मकतबा फिक्र का खुद मोतमद नहीं है, तो हमारे मुकाबला में उमर सिद्दीक के मुकाबला में या खलील रहमान जवेद के मुकाबला में वो शख्स लाया जाए जो बरेलवी मकतबा फिक्र का मोतमद हो, ये तो खुद मुतनाज़ा शख्सियत है, वो तो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। फिर भी मसलक अहले हदीस के किसी मसला पर और किसी भी गलत फहमी के इजाले के लिए मैं आप लोगों से गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ, आप मुझे कराची बुला लें या बोल का नुमाइंदा यहाँ पर भेज दें या आप मुझे मोबाइल फोन के जरिए कॉल पर ले लें, मैं हर वक्त तैयार हूँ। नबी अली सलातो सलाम की मोहब्बत के मसला में अहले हदीस को पूरी कायनात पर तफवुक हासिल है, ये दलाइल के साथ भी मैं साबित करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सबसे ज्यादा काम अहले हदीस ने किया है, इसी तरह नबी अलैहि सलातु वसलाम की सुन्नतों को सबसे ज्यादा अहले हदीस ने अपनाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी किताबो सुन्नत में है उसको भी सबसे ज्यादा अहले हदीस ने ईमान के तौर पर इख्तियार किया है, और ये लोग हमसे पीछे हैं, और इस पर मुबाला शरी करने के लिए भी तैयार हूं कि जर्रा भर भी अगर अहले हदीस मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी खोट या मैल का शिकार हो तो आइए मैं भी अपने बीवी बच्चे लेकर के आता हूं। हनीफ कुरैशी समेत कोई शख्स, कोई बरेलवी आलमे दीन, कोई गैर अहले हदीस अपने बीवी बच्चे लेकर के आए और ऑन एयर टेलीविजन पर मुबाला होगा, और जो झूठा होगा वो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से गैज़ और अजाब का इंशाल्लाह निशाना बनेगा। मुबाला के लिए तैयार हूं और मुनाजरा के लिए भी तैयार हूं, वो मसला वसीला हो या कोई और मसला हो,
जो बरेलवी और मसलक अहले हदीस के दरमियान इम्तियाजी अकायद या मसाइल का इख्तलाफ है उस पर गुफ्तगु करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गुफ्तगु का आमिर लियाकत और उसकी जो कैबिनेट और उसके साथी है और गोल टीवी की जो इंतजामी है वो संजीदगी से नोटिस ले और मुझसे फिलफौर राबता करे। और मैं अपना राबता नंबर भी बोल देता हूँ 0300-643-576। नमाज जोर के बाद जो है ये मेरा मोबाइल खुल जाता है और नमाज इशा तक वो चलता रहता है और नमाजों के औकात में बंद होता है। आप इस नंबर पर मुझसे राबता करें, दूध का दूध पानी का पानी और हक व बातिल जो है वो वाजे हो जाएगा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, किसी की दिलदारी नहीं करना चाहता, गदा ही के और ये समझे कि मेरी ऊंची आवाज जो है वो शेर की धाड़ से भी बुलंद है और मैं अकेला ही जंगल का राजा हूं तो वो उसकी गलत फहमी है। आइए कभी हम जैसे फकीरों के साथ भी पंजा आजमाई इल्मी करके देखें, इंशाल्लाह आपको छठी का दूध याद करवा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। कारी खलीलुर रहमान जावेद हाफिज़हुल्लाह तर्जमान मसलक अहले हदीस के वो शेर हैं जो 14 साल से डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ बैठकर और दूसरे उलमा के सामने किताब व सुन्नत की बड़ी खूबसूरत दावत पेश कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। डॉक्टर आमिर लियाकत और उनके हवारियों की तरफ से जो उनके साथ बदसलूकी की गई हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने भाई के साथ रात की तारीकी हो या दिन का उजाला हो उसके साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह उनके किसी बात पर आंच नहीं आने देंगे। रहा उस वक्त के इब्नुल वक्त उलमा का सस्ती शोहरत की खातिर दुनिया के अदीम तरीन इंसान डॉक्टर आमिर डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह पर तान तशनी, वो शख्स है जो इस उम्मत का बहुत बड़ा मुसलिह जिसके हाथ पर हजारों लोग कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। अगर इन सस्ते शोहरत हासिल करने वाले मौलवियों को मुनादरे का और मुजादले का इतना ही शौक है तो आइए मसलक अहले हदीस के मुनादिर पाकिस्तान ही के अंदर ही तुम्हारी इल्मी दुर्गत बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस्लामाबाद हो, गुजरांवाला हो, कराची हो, पिशावर हो, आइए ये घोड़ा और ये मैदान हम तुम्हें पहले भी इल्मी तौल पर मुनादरे के अंदर चित कर चुके हैं और आइंदा भी ये मैदान सजाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। रहा डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, उनके सामने तुम जैसे बच्चे को बैठाना उनकी तौहीन है। उनके सामने अगर बैठना है तो अपनी जमात के किसी जिम्मेदार शख्स इल्मी शख्सियत को सामने लाइए। तुम्हें तो वो दिन भी याद होगा जब तुम्हारे जलाली ने यह कहा था कि पीएचडी डॉक्टर से मुनादरा करूंगा और किसी से बात ना करूंगा। फिर शाह साहब तशरीफ लाए पीएचडी डॉक्टर तो जलाली दाएं और बाएं देखता हुआ भाग खड़ा हुआ था। अगर हिम्मत है तो आइए, तुम्हारी हर तरह की प्यास बुझाने के लिए अहले हदीस के तर्जमान मौजूद हैं। मिन जानिब डॉक्टर सैयद तैयबुर रहमान जैदी सीनियर नायब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।